सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल टेक्निका सिद्धेश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा मोटो G6 और G6 प्ले के बारे में। इसके कुछ फीचर्स क्या है और ये इसकी इंडिया में ये लॉन्च हो गया है नहीं हो गया है, इसकी प्राइस क्या रहेगी जब ये इंडिया में लॉन्च होगा, तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धेश और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निका सिद्धेश। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं G6 की तरफ। जो मोटोरोला का जो फ़ोन है मोटो G6, इसकी जो इंडिया में प्राइस रखी गई है वो है 16,500। ये इंडिया में इसकी प्राइस रखी गई है। और जो मोटो G6 प्ले है उसकी जो प्राइस है वो है 13,000। दोस्तों वैसे बात करें तो ये प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही रखा गया है। अभी इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मोटो G6 के बारे में बात करते हैं, मोटो G6 में आपको मिल रहा है 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज। आपको इसमें 128 GB एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको इसमें मिल जाती है। 4G लाइट सपोर्टेड, 3.5 mm का ऑडियो जैक कुछ मिल जाता है। आपको इसमें 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद टर्बो चार्जिंग, मतलब कि चार्जिंग बहुत जल्दी से हो जाएगी और बैटरी बैकअप आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। फिर आपको इसमें मिलती है 5.7 inches की स्क्रीन, फुल HD डिस्प्ले स्क्रीन, 18:9 रेशियो एस्पेक्ट में। आपको इसमें 1.8 GHz का प्रोसेसर मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 के साथ विथ। आपको इसमें 3 GB रैम मिल जाती है। आपको इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.0 ओरियो वर्जन से चलता है। आपको इसमें ड्यूअल कैमरा मिल जाता है 12 MP का प्राइमरी और 1.8 aperture के साथ, और 5 MP का सेकेंडरी आपको इसमें कैमरा मिल जाता है 2.2 aperture के साथ, ड्यूअल लेंस फ्लैश बैक टू। वैसे इसके फीचर्स तो वैसे बहुत अच्छे हैं, पर अब एक बार दूसरा फ़ोन देखते हैं मोटो G6 प्ले। आपको मोटो G6 प्ले में 5:7 inches की HD स्क्रीन मिल जाती है 18:9 रेशियो के एक्सपेक्ट में। आपको इसमें HD 720x1440 pixels के रिजोल्यूशन मिल जाती है। आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है 8.0 वर्जन के साथ। फिर आपको इसमें 1.4 GHz का प्रोसेसर मिल जाता है विथ स्नैपड्रैगन 430, और आपको इसमें 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है अप टू एक्सपेंडेबल 128 GB तक। आपको इसमें 128 GB की आप इसमें मेमोरी का सपोर्टेड है। इसका आपको 13 MP कैमरा मिल जाता है, बैक कैमरा 2 aperture के साथ 2.0 aperture के साथ, और इसके और 8 MP कैमरा मिल जाता है फ्रंट के साथ। सो एक्चुअली इसके बारे में कुछ बात करें तो अभी लेटेस्ट आपको इसमें वर्जन चल रहा है फिलहाल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो वर्जन चल रहा है वो 710 या 845। अभी फिलहाल तो 710 तो बहुत लेटेस्ट चल रहा है और 845 भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। और वैसे इंडिया में प्राइस तो ठीक ठाक रखी गई है, पर इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। पर अभी वैसे इंडिया में इसका कंपेयर करें तो इंडिया में इसकी प्राइस थोड़ी अभी कम रखी गई है और आपको चीप मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल मिल जाता है। पर एक्चुअली इसमें आप अगर इसमें अगर हमको मिल जाता था स्नैपड्रैगन 636 या और कौन से 845 तो भी एक्सपेक्ट नहीं है, पर अगर 636 या 600 मिल जाता स्नैपड्रैगन तो बहुत अच्छी, बहुत हम खुश हो जाते थे। पर आपको इसमें जो एक मोबाइल में सबसे अच्छा वो थोड़ा सिर्फ कैमरा ठीक है, और आपको इसमें मोटोरोला के जो गेस्चर्स है वो मिल जाते हैं। पर एक्चुअली इसकी जो प्राइस रखी गई है वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती तो चल जाता था, थोड़ी सी कम भी होती तो चल जाता, पर इसमें आपको सबसे अच्छा चाहिए था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। पर आपको इसमें जो सबसे पहला मोबाइल है आपको इसमें सिर्फ G6 में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 436, और अब इसमें मिल जा सेकंड में G6 प्ले में मिल जाता है 450। एक स्नैपड्रैगन बहुत लेटेस्ट नहीं बोल सकते, बस मिड रेंज में से चल रहे हैं, और इसकी प्राइस तो ठीक ठाक ही है वैसे। और अगर आप मोटोरोला के फैंस हो तो आप ये मोबाइल ले सकते हो। वैसे मोबाइल अच्छा है, कैमरा आपको इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, और आपको इसमें सबसे अच्छी फीचर मिलता है टर्बो चार्जिंग का, मतलब कि चार्जिंग बहुत जल्दी से हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ है मोटो G6 और G6 प्ले के बारे में कुछ फीचर्स। और आज इसका लॉन्च इवेंट है, और इसका जो लॉन्च इवेंट है वो दिल्ली में फिलहाल शुरू है इसका लॉन्च इवेंट। तो दोस्तों अगर अब जो लेटेस्ट वर्जन शुरू है एंड्रॉयड का P Beta, अगर हमको ये मोटोरोला के फ़ोन्स में दिखने को मिल जाता था तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, पर एक्चुअली मोटोरोला ने ऐसा नहीं किया है। अभी उसको मोटोरोला के साथ चल रहा है 8.0 ओरियो वर्जन के साथ ही ये मोटोरोला चल रहा है।
फिलहाल दोस्तों जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है 710 वो सिर्फ लाया है MI ने, MI का जो अभी लेटेस्ट फ़ोन है MI 8, आपको इसमें 710 MI का जो MI 8 एक्सप्लोरर वर्जन आपको इसमें सिर्फ मिल जाता है स्नैपड्रैगन 710, पर बाकी जो मोबाइल से आपको इसमें फिलहाल 710 स्नैपड्रैगन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली मोटोरोला के जो प्राइसेस है, एक जो मोटोरोला का प्राइस है वो है 16,900, और जो दूसरा मोटोरोला का प्राइस है आपको उसमें मिल जाता है 12,000 या 13,000 तक तो भी मिल जाएगा। तो ये अच्छे चिप प्राइस में आपको ये बहुत अच्छे मोबाइल्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे कुछ नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मोटिवेशनल टेक्निकल सजेशन। थैंक यू दोस्तों।